Hello everyone, my name is Kalpana Joshi, lecturer in Costume Design and Dressmaking Department, GWPC Gandhinagar, Jaipur से. मेरा आज का सब्जेक्ट है Market Research and Analysis, CD 105, और हमारा आज का टॉपिक है Trimmings. इसमें आज हम लेसेस के बारे में पढ़ेंगे. लेस एक सजावटी ओपन वर्क कपड़ा है जो कि हाथ या मशीन के द्वारा लूपिंग, ब्रेडिंग, इंटरलेसिंग, निटिंग या धागों की ट्विस्टिंग के द्वारा पैटर्न के रूप में बनाया जाता है. लेस के ढांचे में कई तत्व शामिल किए जाते हैं, जैसे बार, जिन्हें ब्राइड्स भी कहा जाता है. इनका प्रयोग मोटिफ को जोड़ने में किया जाता है. हैवियर आउटलाइन थ्रेड को कॉर्डोनेट कहा जाता है. लेस के एस पर जो छोटे छोटे लूप्स बने होते हैं उन्हें हम पिकॉट्स कहते हैं. लेस मेकिंग का विकास कटवर्क एम्ब्रॉयडरी से हुआ है, जो कि 15वीं शताब्दी में उस सदी का एक महत्वपूर्ण उद्योग था. लेस का वर्गीकरण उन्हें बनाने के आधार पर या बनाने के मेथड के आधार पर किया जाता है. वो इस प्रकार है. फर्स्ट है निडल पॉइंट और पॉइंट लेस. ये काफ़ी सुंदर लेस होती हैं. ये लेस पहले हाथ से बनाई जाती थी, लेकिन आजकल ये मशीन के द्वारा भी बनाई जाती हैं. इनमें डिज़ाइन की आउटलाइन सिंगल लिनन या कॉटन थ्रेड से बनाई जाती है. इस डिज़ाइन की लाइन को छोटी छोटी स्टिचेस के द्वारा बेस पे टिकाया जाता है. पूरे बैकग्राउंड पर निडल से कार्य करने के बाद इन छोटी छोटी स्टिचेस को काट दिया जाता है. एस फिनिशिंग में स्कर्ट, टॉप, फ्रॉक, स्लीव आदि के एस पर इनको लगाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है. सेकंड नंबर की है पिलो और बॉबिन लेस. ये फाइन क्वालिटी की पतली और सुंदर लेस होती है. ये भी हैंडमेड होती है, लेकिन आजकल ये भी मशीन द्वारा बनाई जाती हैं. इनके प्रत्येक यान को छोटी बॉबिन होल्ड करती है. पेपर डिज़ाइन को छोटी पिलो पर प्लेस किया जाता है. फिर पिने इंसर्ट करके पिंस के चारों ओर पैटर्न फॉर्म में यान को इंटरलेस्ड किया जाता है. इन्हें छोटे छोटे पिलो के माध्यम से बनाया जाता है, इसलिए इन्हें पिलो लेस कहते हैं. वह पतली व नाजुक होने के कारण इन्हें बॉबिन लेस भी कहते हैं. ऐसी लेस को अलग से भी काम में लिया जाता है और हैंडमेड नेट पर एप्लीक भी किया जाता है. ये लेस डेलिकेट होने के कारण इनका प्रयोग गारमेंट में नेकलाइन, योक, स्लीव, एस फिनिशिंग आदि के लिए किया जाता है. थर्ड है टैटिंग लेस. ये हैंडमेड नॉटेड लेस है. ये काफ़ी मजबूत लेस होती है और ये नैरो विड्थ में होती है, लेकिन इसके फ्लावर्स या पैटर्न्स बनाकर उन्हें जोड़ करके लंबी और चौड़ी लेस भी बनाई जा सकती है. ये छोटे हाथ की शटल पर धागा लपेट कर उंगलियों की सहायता से बनाई जाती है. इसमें छोटे छोटे लूप बनाकर पैटर्न बनाया जाता है, जिसका प्रयोग लॉन्जरी है, रुमाल, कुशन कवर, फर्निशिंग आइटम आदि में किया जाता है. फोर्थ है मैक्रम लेस. ये मोटी व मजबूत लेस होती है. इस टेक्निक से 2, 3, 4 या इससे भी अधिक संख्या में कॉर्ड्स को एक साथ लेकर पैटर्न के रूप में या फिर पैटर्न के अनुसार ग्रुप में नोटेड करके इस लेस को बनाया जाता है. ये कभी कभी लेस फैब्रिक बनाने के काम में भी आती है. होम फर्निशिंग आइटम्स पर इसका इस्तेमाल अधिक किया जाता है. फिफ्थ है क्रॉचेट लेस. ये हैंडमेड लेस है और ये लूप से लूप ट्रांसफ़र करके बनाई जाती है, और ये एक छोटे क्रॉचेट हुक के द्वारा बनाई जाती है. ये काफ़ी सुंदर बनती हैं. ये कॉटन, सिल्क, वूल किसी भी थ्रेड से बनाई जा सकती है. आवश्यकता अनुसार ये किसी भी विड्थ में बनाई जा सकती है. यहाँ तक कि क्रॉचेट मेथड से कंप्लीट गारमेंट भी बनाया जा सकता है, और इनका इस्तेमाल इन लेसेस का इस्तेमाल होम फर्निशिंग आइटम्स और ड्रेसेस दोनों में ही किया जाता है. सिक्स्थ है एलिनकॉन लेस. ये सुंदर फाइन हैंडमेड या मशीन मेड निडल पॉइंट लेस है, जो कि शीयर नेट ग्राउंड पर सॉलिड डिज़ाइन कॉर्डोनेट से बनाई जाती है. इसका प्रयोग हम डिज़ाइन लाइंस क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि योक शेप, नेक शेप आदि. सेवेंथ है ऑल ओवर लेस. ये टर्म चौड़ी लेस के लिए प्रयोग की जाती है. इस लेस की चौड़ाई 66 इंच तक हो सकती है. इस लेस में संपूर्ण चौड़ाई में डिज़ाइन व नमूने बने होते हैं. ऐसा लेस एक वस्त्र के समान होता है. इस लेस का उपयोग विशिष्ट ड्रेस को बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और इसके अलावा गारमेंट्स में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टॉप्स, कुर्ता आदि के फिनिश करने के लिए, और फर्निशिंग आइटम में भी इसका प्रयोग किया जाता है. एट्थ है एप्लीक लेस. ऐसी लेस जो पहले बॉबिन या निडल पॉइंट से हाथ द्वारा बनाई जाती है,
फिर उसे मशीन द्वारा बने हुए मैश ग्राउंड पर लगाया जाता है, लेकिन आजकल ये लेस मशीन के द्वारा ही बनने लगी है। ये काफ़ी सुंदर होती हैं और इनका प्रयोग डिज़ाइन लाइन क्रिएट करने के लिए और गारमेंट्स में विभिन्न जगहों पर किया जाता है। 9th है आर्मेनियन लेस। ये हाथ और मशीन द्वारा बनी नॉटेड लेस है जो आरी जैसे दांतों वाली नैरो विड्थ लेस है। ये लेस वस्त्रों के किनारों पर लगाई जाती है। लेस में एक किनारा बिल्कुल सीधा होता है और दूसरे किनारे पर कंगूरे बने होते हैं। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच से 2 इंच तक की होती है। इसका प्रयोग बेबी गारमेंट में व सॉफ्ट लाइंस क्रिएट करने में किया जाता है। 10th है बेबी आयरिश लेस। ये नैरो फाइन क्रोशिए से बनी हुई हाथ की लेस होती है। ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी मजबूत होती है। सबसे पहले इसे आयरलैंड में बनाया गया था, इस कारण से इसे बेबी आयरिश लेस के नाम से जाना जाता है और इसकी चौड़ाई कम होती है, इसलिए इसे बेबी आयरिश लेस के नाम से जाना जाता है। 11th है बेबी लेस। कोई भी नैरो डेलिकेट सॉफ्ट लेस जो कि बहुत ही सॉफ्ट हो और जल्दी से टूटने वाली हो, ज़्यादा मजबूत नहीं हो, उसे हम बेबी लेस के नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग इन्फेंट गारमेंट्स में किया जाता है। 12th है डचेस लेस। ये बॉबिन लेस के का ही टाइप है और बॉबी लेस के समान ही सुंदर है। इसमें फ्लोरल डिज़ाइन बने होते हैं और टेप जैसा इफ़ेक्ट दिया जाता है। ये फाइन थ्रेड से बनी होती है और मजबूत होती है और कुछ हिस्सा इसका रेज्ड होता है, रेज्ड वर्क किया जाता है। पहले डिज़ाइन बनता है, फिर ब्राइड्स और बार बनते हैं। गारमेंट डेकोरेशन के लिए इसका कहीं पे भी प्रयोग किया जा सकता है। 13th है ब्राइडल लेस। ये एक कंटेम्पररी इंडस्ट्री टर्म है लेसेस के लिए और इसका प्रयोग वेडिंग ड्रेसेस बनाने के लिए किया जाता है। 14th है बीडिंग लेस। यह नैरो स्लॉटेड लेस है। इसमें समान दूरी पर छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिनमें कि बीड्स या साटन रिबन डाल करके पिरोया जा सकता है। ये देखने में काफ़ी सुंदर लगती है और इसका प्रयोग बेबी गारमेंट्स में किया जाता है। इसमें कभी कभी एम्ब्रॉयडरीड बैंड्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। 15th है पॉम्पॉम लेस। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस लेस में पॉम्पॉम लगे होते हैं। ये पॉम्पॉम कॉटन, सिल्क, वूल, रेयन, किसी भी फाइबर के बने हो सकते हैं और किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। ये काफ़ी सुंदर व विभिन्न वैरायटी में मिलती हैं। इनका प्रयोग गारमेंट में एज फिनिश करने के लिए और फर्निशिंग आइटम्स पे किया जाता है। लास्ट है शिफली फैब्रिक। यह एक ओपन वर्क एम्ब्रॉयड्रीड फैब्रिक है। ये पूरा फैब्रिक सुंदर ओपन वर्क एम्ब्रॉयड्री से बना होता है। इसका प्रयोग लेस की तरह गारमेंट में एप्लीक वर्क के लिए, योक, कॉलर आदि, स्लीव वगैरह के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा पूरा गारमेंट भी इससे बनाया जा सकता है। थैंक यू।